Slipknot, we are coming! ये सामने आपको होटल दिखेगा श्री दत्त स्नैक्स करके, तो यहाँ से आप ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कांदे भजी मंगाई है और पोहा भी ऑर्डर किया है, पोहा भी आ रहा है अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं ड्यूकनोज एक्सप्लोर करने, और ड्यूकनोज को नागफनी भी कहा जाता है। अभी जहाँ पर हम पहुँचे हैं, यह है ड्यूकनोज का बेस विलेज, जिसका नाम है कुरुवंडे विलेज करके। आप जैसे आएंगे तो आपको ये सामने एक विला दिखेगा, ये विला के जस्ट सामने ही गेट है, वहाँ पर लिखा है बोर्ड पर ड्यूकनोज के लिए, तो आपको यहाँ से जाना है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं ट्रैक का, और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप ड्यूकनोज कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप ड्यूकनोज के टॉप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइज, मॉनसून स्टार्ट हो गया है और ये हमारा आज का फर्स्ट ट्रैक है मॉनसून का। सो वी आर एंजॉयिंग द फर्स्ट रेन। सो आप ये व्यू देख सकते हो पीछे का, बहुत सुंदर व्यू है। अभी हमें हो गया है कुछ 30 मिनट्स, और जो रास्ता था अभी तक जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये काफ़ी प्लेन रास्ता था, तो हमें कुछ परेशानी हुई नहीं, बस हमें वॉक करना था। अभी आप सामने देख सकते हो, ये सामने से अभी प्रॉपर क्लाइंबिंग चालू होगा, आपको ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ पे रिज है, वो पूरा क्लिफ चढ़ के फिर यहाँ पर ऊपर जाना है। सो अब हमारा रियल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप जैसे पहुँचेंगे, आपको दो क्लिफ दिखेगा ऊपर चढ़ने के लिए। देखो ये सामने एक ये वाला है और एक ये साइड का है, यहाँ से भी कनेक्ट है और यहाँ से भी डायरेक्ट आप नागफनी तक पहुँच जाओगे ऊपर तक। तो आप दोनों में से एक कोई रास्ता चूज करके आ सकते हैं। हमने चूज किया ये लेफ्ट साइड का क्लिफ, तो यहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। और रीजन फॉर चूजिंग दिस रूट है ये यहाँ का व्यू, जो काफी सुंदर है, तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। सो आपको बहुत ध्यान रख के चढ़ना है यहाँ पर, बिकॉज मॉनसून के टाइम पे ये पूरा स्लिपरी हो जाता है। सो प्लीज़ टेक केयर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ड्यूकनोज कैसे पहुँच सकते हैं। सो ड्यूकनोज पहुँचने के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है लोनावाला, और लोनावाला से कुरुवंडे जो यहाँ का बेस विलेज है उसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। तो अगर आप मुंबई या पुणे कहीं से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोनावाला आना पड़ेगा, और लोनावाला से आप या तो प्राइवेट ऑटो कर सकते हैं या बाय वॉक कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
करते हैं नागफनी के ट्रैक डिफिकल्टी के बारे में। सो, ये ट्रैक काफ़ी सिंपल और इजी है। बस ये जो एक क्लाइंबिंग पैच है यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना है, बिकॉज मानसून के टाइम पे ये क्लिफ काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। सो, आप ध्यान देना खाली ये चढ़ने के टाइम पे। बाकी ये पूरा ट्रैक इजी है, खाली आपको एक घंटा लगेगा ऊपर तक पहुँचने के लिए। सो, ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक है और ये आप आसानी से वन डे में कर सकते हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए टॉप तक। सामने आप देख सकते हैं ये है टेंपल। काफ़ी लोग आए हैं, आज पहली बरसात हुई है। देख सकते हैं काफी सुंदर व्यू है। जस्ट अभी बारिश रुकी है इसके वजह से नजारा एकदम खूबसूरत सा हो गया है। तो ये सामने आप देख सकते हो नजारा, मैं आपको दिखाता हूं, आप नजारे एंजॉय कीजिए तब तक। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा नागफनी एक्सप्लोर करके हो गया है और काफी सिंपल और काफी इजी ट्रैक था ये। तो बिगिनर्स लोग ये ट्रैक एकदम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द आपको एक नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नागफनी।